5 किलोमीटर है चुहा पानी, एक जगह चुहा पानी, चुहा पानी। तो हमारे का जो दूसरा साथ का लड़का था कुतुब, तो वो 100 मीटर होगा, वो पीछे चारा काट रहा था, ग्रास काट रहा था। उसने कहा था इसमें चारा नहीं होगा, तो दिया उसने कहा तू ऐसा कर, तू मैं थोड़ा आगे एक पेड़ खड़ा है उसको देख लूँगा। उसने कहा ठीक है देख लूँगा। अब वो आगे गया तो जैसे ये है ना, अब हाथी हम ऐसे ले आएंगे ऊपर तो हाथी बराबर आ जाएगा ज़मीन के, तो नाले नाले हम गए, तो नाले नाले वो गए, तो नाले में उन्होंने हाथी बांध दिया वहाँ, और पेड़ जो है हाथी नीचे हो गया नाले में। अब वो ढंग से चढ़े और उसे हाथी पेड़ पर चढ़ गए, और जब पेड़ काट दिया, काटने के बाद में टाइगर ने जो है उनको देख लिया। शेरू नाम का एक टाइगर था, शेरू नाम का टाइगर, शेरू शेरू सांबा के पहले सांबा तो कुछ भी नहीं, लॉन्ग एक हिस्सा भी नहीं है। पहले के टाइगर बहुत ज़बरदस्त टाइगर थे, कि देख के आदमी को वैसे रुआ खड़ा हो जाता था। तो उन्होंने पेड़ काटा, काटने के बाद में उतर के हाथी पे चले गए, नीचे हाथी पे बैठ गए हूँ। और हम लोगों को बीड़ी पीने की आदत रहती है, उसने बीड़ी पी जो कहने लगे यार, उन्होंने ऊपर देखा कि उसने कहा 3-4 डाली यार टंगी रह गई, वो नसीब में चोट थी ना आदमी, टाइम जब वक्त बता के थोड़ी आता। तो सीधे गए, उसने कहा मैं पहले इनको उतार लूँ। तो हम लोग जो है ना चारे के पीछे बहुत मरते हैं, यार हाथी जो है 2-3 घंटे इसको खाएगा। तो चढ़े, चढ़ने के बाद में उन्होंने टहनी, एक टहनी में जिस टहनी में वो टंग रही थी उस टहनी को मारा, तो 18 फुट 2 इंची से टाइगर ने जो है, नाले में तो टाइगर था नहीं क्योंकि नाले में तो हाथी बंधा था, हाथी टाइगर आ गया ऊपर, फिर उसने जम मारे 18 फुट 2 इंची से उनके हाथ मारा टाइगर ने, वैसे धरती से 18 फुट ऊपर। हाँ, तो वो ब्रांच पे बैठे हुए थे, तो उन्होंने पैर लटका रखा था, एक पैर मोड़ के और कुल्हाड़ी से ऐसे मार रहे थे। तो जब टाइगर ने जंप करके जब हाथ लगा तो वो नीचे आ गए। नीचे आने के बाद में वो कह रहे कि मेरे को खूब अच्छी तरह होश है, जब वो अपनी कहानी लगाते हैं ना। अब बहुत से लोगों ने तो उनको बदनाम भी किया, हमारे डिपार्टमेंट ने बदनाम किया बाहर वालों ने। एक दुधवा में अर्जुन नाम के हैं, उनका फार्म है, उनके पास में गुलदार भी रहा, टाइगर भी रहा, उनको भी रिसर्च के लिए बुलाया गया कि उसने कहा किसने मारा इनको। तो उन्होंने भी झूठ बोल दिया कि उसने कहा इसको जो है भालू ने नोचा है, उसने कहा टाइगर कभी नहीं छोड़ेगा। और जो हमारे सामने की आंखें देखी बात है, तो हम दूसरे का यकीन कैसे कर लेंगे। तो जिस टाइम टाइगर नीचे वो ऊपर, तो टाइगर ने उनको जो है ऐसी दबोच लिया जैसे मुर्गी बच्चों को नहीं छिपा लेती, ऐसे करके दबोच लिया। कुछ टाइम के बाद में टाइगर ने जो है, उन्होंने भी ईश्वर अल्लाह जो उनके मुंह में आया सब के लिए उन्होंने दुआ करी कि उसने कोई मेरे को इस टाइगर से आज बचा ले। तो टाइगर कहाँ छोड़ने वाला था, टाइगर ने जो है एक हमारा बंदा कुक नाम का था, उसको पहले खा चुका था, तो उसके थोड़े से सिर के बाल मिले थे और दाल भात खा के गया था वो जंगल, तो थोड़ा सा दाल भात और ये हड्डी मिली थी बस, रात भर में पूरा खा गया था उसको। पर उसको भी हमने शाम को ढूंढ लिया था, पर रात हो गई थी तो इस मारे उसको छोड़ के उसकी बॉडी को ढूंढ लिया था। हाँ, तो उसने जो है फिर नाले में डाल दी थी बॉडी उसको। अच्छा, पूरा नहीं खाया ना उसको, तो कुक्कू को तो पूरा खा गया, कुक्कू जो पहला था उसको पूरा खा। हाँ, उसी के बाद में दोबारा इनने कांड किया दूसरा वाला जो ये बता रहे हैं उसका। जब टाइगर को एक को तो हम छोड़ देते हैं इसलिए कि उसने का हो सकता है कि अचानक मार दिया, जब दूसरा केस कर देता है तो वो पक्का समझो मॉनिटर हो गया वो, फुल मॉनिटर जी। तो जब सूबेदार को, तो उसने आवाज़ दी कहने के मैंने उंगली भी मारी और हाथ भी मारे उसके 2-4, तो कहने के मेरे हाथ में खुद चोट लग रही थी, तो ये उंगली चाबली थी, यहाँ थे नाखून, यहाँ जांग में थे, ऐसे करके बैठ गया ना जैसे मुर्गी बैठती है। तो जब उन्होंने दूसरों को आवाज़ दी तो उसने कहा घबराना मत मैं आ गया, दूसरा साथी, दूसरा जो ग्रास उनका साथी, उनका साथी। उसने जब कुकवा दिया कि उसने कहा मेरे को टाइगर ने मार दिया मेरे को और तू जल दिया, तो उसने वो उल्टा सुलटा उतरा, अपना हाथी पकड़ा, उसने हाथी दौड़ाया, दौड़ाने के बाद में उसने कहा जब आवाज़ दी तो उसने कहा कि तू ठीक है
तो टाइगर जो है इतनी दूर गया जैसे सर खड़े हैं छोड़ के, इतनी बीच में हाथी डाला और वो हाथी तो उनका नीचे बंधा तो कुछ नहीं कर सकता, उसको बांधा हुआ था वो उनका हाथी सूबेदार का, जो जो इंजर्ड था उसका नाम सूबेदार है। हाँ सूबेदार ली। तो उसने कहा यार जो मैं दोस्त उतरता हूँ तो टाइगर तेरे को भी नहीं छोड़ेगा और मेरे को भी नहीं छोड़ेगा जो रेस्क्यू करने आया। उनने कहा तेरे को भी नहीं छोड़ेगा, अरे हाथी जाएंगे भाग और हम रह जाएंगे अकेले, तू तो घायल है तू तो कुछ नहीं कर सकता, मैं भी क्या कर सकता हूँ। तो उसने कहा फिर उसने कहा जब टाइगर इतनी दूर चला गया जैसे सर है तो उन्होंने कहा कि तू ऐसा कर तू इधर को खसक जा। उसने कहा तेरे हाथ पैर सही हैं? करने के हाँ बिल्कुल। तब तक टाइगर के अंदर ही है, टाइगर इस तरफ है, बीच में हाथी है, हाथी है बीच में, बीच में हाथी है। सूबेदार को पकड़ के रखा है, सूबेदार नीचे पड़ा हुआ है। वो जिस टाइम हाथी पहुंचा ना तो उसने टाइगर जो है वो थोड़ा हट गया उनसे 10 फुट दूर हो गया, उसको घायल तो कर ही दिया था, ये हाथ मारा यहाँ पे तो ये पूरा उनका जो है भेजा निकल गया, बाहर निकला नहीं था सब सेट था दिख रहा था पर दिख रहा था वो जैसे होता है। तो उन्होंने कहा ठीक है, उसने कहा ये उसने फिर अपने हाथ से ऐसे करके खाल जो है ऑटोमेटिक सेट कर ली, सेट कैसे करी, ऐसे करने के बाद में फिर वो उठे उसने कहा मेरे हाथ पैर बिल्कुल सही सलामत है, उठे पर हिम्मत नहीं आ रहा बंदा बहादुर है। हाँ फिर उसके नीचे हाथी के नीचे गए, हाथी की बेड़ी खोली, फिर जब बेड़ी खोली तो वो पड़ गए ठंडे, ब्लडी ब्लीडिंग हो गई ना, ब्लीडिंग बहुत हो गई, खून निकल गया, जिस्म पे कपड़ा एक नहीं था टाइगर ने छोड़ा, एक नहीं छोड़ा उसने, हाँ नंगा कर दिया था बिल्कुल। तो उसने कहा तो हाथी पे चढ़ जाएगा, उसने कहा मैं चढ़ जाऊंगा, टाइगर ने जो है पीछा नहीं छोड़ा। तो यहाँ पे वो सामने आंवले का पेड़ खड़ा है, सड़क के किनारे नहीं जतराया है, हाँ वहाँ तक टाइगर आया, उसने कहा यार उन्होंने जो है पीछे कर लिया हाथी, अब उनने कहा ऐसा ना करे कि इसने कहा ये जंप करके टाइगर जो है इनको फिर उतार ले। फिर उसने जो हम इसी बगल में ऊपर से चूहा पानी से बटी आती है शॉर्टकट हमारी पगडंडी, तो हम इसी से आते जाते हैं। हाथी पे चढ़ा कैसे सूबेदार ये बताओ, हाथी से तो उन्होंने बेड़ी खोली, कान पकड़े, हाथी ने सूंड दी, सूंड दी, उन हाथी ने अपना आप उनको उठाया, उठाने के बाद में फिर वो खस के क्यों ठंडे पड़ गए थे ना बैठ गए, फिर वो जाके बैठ गए पीठ पे बैठ गए। हाँ तो फिर यहाँ पे जब और जो आए थे उनको बचाने के लिए वो भी वो तो अपने हाथी पे थे ही ना, हाथी पे पीछे थे उसके, वो इंस्ट्रक्शन दे रहे थे कि उसने कहा तू आगे चल, ऐसा ना हो कि टाइगर पीछे से आ रहा है। तो शेरू ने टाइगर जो था वो यहाँ तक हमले के, टाइगर शिकार छोड़ता नहीं, वो शेरू उसका नाम था टाइगर, शेरू यहाँ तक आया चौराहे तक, जब सूबेदार आए तो यहाँ पे आके इस जगह यहाँ पे जाके कपड़े कपड़े उनको उधर दी ढकने के लिए, फिर उनको काशीपुर ले गए। फिर काशीपुर से हमारे राजा बिजेंद्र सिंह हैं, एक उत्तराखंडी भी हैं वो, तो उन्होंने जो है काशीपुर वालों ने जब जवाब दे दिया तो फिर वो उनको जो है वो ले गए उठा के। तो उनकी जो मेम साहब हैं वो बड़े दयालु हैं, तो उन्होंने जाके मटका पीर है दिल्ली में, मटका पी रहे तो उन्होंने जाके वहाँ ज्यारत मांगी, अपना फूल भी दिया, हर बृहस्पति वाले दिन जाते थे कि सुनने का जिंदगी बचा दे, दुआ की मतलब। हाँ ऊपर वाले और सूबेदार फिर ठीक हो गए, सूबेदार आ गया जी। हाँ अब मसाला काफी टाइम हो गया, फिर उसके बाद में फिर उसी हथनी पे उनको मौत बनाया, फिर मौती करी उन्होंने, फिर उसके बाद में रिटायर हुए, रिटायर होने के बाद में फिर उनको अब जो है वो जेट बोट चलाते हैं। महावत मतलब अपर पोस्ट, तो चारा कट से वो फिर क्या हो गए महावत हो गए, जिस हथनी ने उनको बचाया जो नाले में खड़ी थी उसी हथनी ने सूंड दे के उनको उठा, कितनी समझदार है, ये तो हथनी तो भाग हट जाती, तो वो फिर जो है वो सरवाइव कर गए। और ये मतलब जैसे भी उसको बचा करके, मतलब ये रिश्ता है हाथी और आदमी का, और जो ऊपर बैठे हुए उनको इंस्ट्रक्शन दे रहे थे कि तू ऐसा कर तू ऐसा कर तू ऐसा कर, नहीं तो अगला कहता टाइगर ने अटैक कर दिया मैं तो भागू यहाँ से, भागू नहीं, 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 सही, वो आदमी भी सही किया है। तो ये रिलेशन है मतलब जंगल का, हम लोग और जो दूसरा कोई बात हो रही है जंगल में हमारे साथ में, तो हम पहले कहते हैं अर्जुन तुझे मैदान छोड़ना है ना, अर्जुन तुझे भागना है, मैदान का मतलब हुआ जंगल से खतरे में भागना है, तुझे हम लोगों से भागना है तू भाग ले, क्यों बाद में ऐसा होता है कि उसने कहा हम तेरे चक्कर में हम खुद मारे जाएंगे। अच्छा ऐसा नहीं कहना चाहिए,
हाँ, जब हम लोग चलते हैं तो हम पहले कह देते हैं कि उसने कहा टाइगर आपने देख लिए, टाइगर जब यहाँ घूम रहे हैं तो इससे ज्यादा और क्या हो सकता है। रात में भी दो टाइगर, एक इधर से बोल रहा था एक उधर से बोल रहा था, रात भर मेरी इतनी ने जब बेड़ी बंधन सब बराबर कर दी। जब टाइगर ग्राउल किया रात को बोला ना तो हाथ बेड़ी बांधी हुई, वो जो संगली बांधी हुई मैंने रात कहानी सुनाई, आगे पीछे बांधते हैं ना हाथी को, हाथी को हाँ। तो उसने तोड़ मतलब डरा ना टाइगर की आवाज से डरा, क्योंकि टाइगर यही है तो वो घबरा गया। मेरी अतनी जो है ना टाइगर को मारने सोचती है, मैं उससे बहुत बचा के रखता हूँ टाइगर से, उसको क्यों वो भिड़ना चाहती है उससे। हाँ, गर्जिया में जो गर्जिया पुल है लड़ाई करना चाहती है, जाती है मार खाएगा। अभी कल मैंने टाइगर को ये सुनने ही उसको ये हो गया, हाँ गुस्सा आ गया ना, गुस्सा आ गया रात में ना कि उसने रखा कैसे उसको, हाँ फिर रात भर उसकी चौकीदारी करी जब भी उसने आपको का जैसे टाइगर बुला है आप हाथी का आवाज आया क्या आपके पास, तो आपको कैसे पता चला कि हमारी हमारा जो है एक कान सोता है और एक आंख सोती है, हल्का सा हाथी अगर कुछ करेगा तो इनका 30 साल पुराना रिलेशन है ना उस आदमी से, तो कुछ करेगी तो झट से उठ जाएंगे कि मेरे जानवर को। हमारा ये नहीं है कि मेरे को तो आदत पड़ गई है, कोई सा भी हाथी इनमें से कोई सा भी हाथी गड़बड़ करेगा। कितने हाथी है इधर? यहाँ पर चार हाथी, चार हाथी जी, कोई सा भी करे आपका पता चले। चार महावत भी है इधर? हाँ नहीं, माहौत तो मैं सिर्फ हम दो ही हैं, दो हेल्पर हैं। अच्छा, दो हेल्पर। हाँ और भी फिर चार और हेल्पर हैं उनके नीचे। अच्छा अच्छा, एक बार कैंटीन से किसी को उठा लिया था ना? जी हाँ, यहाँ कैंटीन से सामने जहाँ कैंटीन का जो इधर फरस है ना, मैंने कैंटीन में जहाँ पे हम लोग लंच खाते हैं उधर से उठा लिया। हाँ उसको भी हमने बचाया था, आयुब ने बचाया। कल रात को आयुब बोला, ये सारे लोग वहाँ थे ना, भी थे आप लोग भी थे, सब पूरा स्टाफ था जिस टाइम हम पत्थर मार रहे थे ना उसको। तो मैं तो शुरू का दिन से तुझे बोल रहा, तू तो मान नहीं रहा। नहीं शेरू ना, सुनिए सुनिए, नहीं वो दूसरी, वो दूसरी टाइगर। अरे इन्हें तो काम लगा यार, ये आयुब आ गया। क्या है, क्या छोक रहे? छोकले बात कर रहे हम, तो चावल को भूल लेना उसमें डाल के। हाँ अरे ब्यापी मुर्गा बनाऊंगा। तो वो हाँ क्या बता रहे थे सर, वो जाको भाई वो कैंटीन में, कैंटीन में हाँ। तो वो जो थे कैंटीन बंद करके यहाँ पर एक दो टूटा हुआ भी था थोड़ा कमरा वो, और उसके बाद में जो है वो कैंटीन में कोई गेस्ट आया, उसने कहा भाई मेरे को सिगरेट चाहिए। और सिगरेट की तरह वैसी होती है नशे की, कि उसमें आदमी ने सोचा कि वो तो पीते नहीं थे पांडे जी, भारी आदमी थे, तो उन्होंने कहा कि चलो अच्छा मैं दे देता हूँ। वो गए कैंटीन में, दोबारा ताला खोला, अब जैसे अपने कमरे की तरफ आए तो इधर यहाँ कचरा डालते थे पीछे, नाली है वहाँ बनी, तो उन्होंने जैसे लगाई चाबी बस टाइगर आई, उनने समझे कि सांबर है। उस दिन लाइट थी नहीं, अच्छा पावर नहीं था, पावर नहीं था, तो उसने कहा कि उसने कहा ये जो है सांबर है, आदमी थे भारी बस, उसके बगल में गाइड भी थे और ये गाड़ी वाले भी गाड़ियों में सोते थे, तो बहुत बोलते अब भी बारी की आवाज़ है उनकी, ज़्यादा भारी आवाज़ नहीं है, बहुत हल्के से बोलते हैं वो लोग पांडे जी। अब वो टाइगर जो है उनको यहाँ से पकड़ा, यहाँ से वो खींच के ले जा रहा था, उसके साथ में दो बच्चे थे टाइगर्स के साथ, टाइगर्स के। तो एक गाइड जो है वो बाथरूम करने के लिए आया, बाथरूम करने के लिए आया, तो वो कह रहे अरे मेरे को बचाओ, अरे मेरे को बचाओ। उसने सुन लिया कि उसने कहा यार ये तो टाइगर है, ये तो आदमी खींच रखा है इसने, और उसने जब मचाया है तो पूरा स्टाफ आ गया। चलो खैर उन कुछ टाइगर से मुँह से छुड़ा लाए हम लोग, फिर अब टाइगर्स ना जाए, फिर ये गाड़ी वाले घूम वहाँ या यूप भी था मार दुनिया भर का हंगामा कर दिया। फिर वो आई रात में, रात में आई खून चाटा उसने, जहाँ गिरे थे ना खून खान चाट के, फिर हमारे रेंजर साहब नहीं थे, फिर हमने जो है सरबुली बगल में है तो वहाँ वाइल्डनेस करा, तो वहाँ से फिर रेंजर साहब आए, वो पूरी रात छत पे बैठे रहे। उसके बाद में उस टाइम पे दो दिन ना कि उन लोगों ने ये किया हाँ, तो हमारे हमारे भर्ती साहब थे चीफ तो यहाँ पर वो डायरेक्टर की पोस्टिंग में आए थे, तो उसी दिन जिस दिन उन्होंने चार्ज लिया उसी दिन वो कांड हो गया। वो करने के मेरे सिर मुड़वाते ही ओले पड़ गए
तो जब यही आ गए तार फेंसिंग हुई। अब इस तार फेंसिंग में इतना डर हो गया कि टाइगर जो है इसके अंदर आ रहा है, कहीं देखा किल भी कर चुका है। तार फेंसिंग कैंपस भी आ रहा है, कैंपस के अंदर भी टाइगर किल कर दे रहा है। अभी आ रहा है अंदर, इधर आते है। हाँ सब जगह आता है। हाँ कौन देख रहा है इसको, कोई देख नहीं रहा ना, बस दो बार दिखा है। रात को मतलब हिरन देख के लग रहे थे जे आ टाइगर तो आ सकते ना, टाइगर तो आयु बोल रहे थे इधर आवाज़ ना ना चलो इधर अंदर। तो ये थे याकूब भाई जो अपनी कहानियां जो आपको समझा रहे थे। याकूब भाई महावत हैं और यहां पर उनका 30 साल का तजुर्बा है और 30 साल हो गए उनको हाथी चलाते हुए। और हाथी और आदमी का क्या रिश्ता है वो बाखूबी उन्होंने हमारे साथ साझा किया। और मैं पहली बार कह चुका हूँ कि याकूब भाई अपने आप में इस जंगल की किताब हैं। सो ये थ्रिलिंग स्टोरीज होती हैं जंगल के अंदर की, कि कैसे आपका रिश्ता एक जानवर के साथ और कितने डेंजर में आप काम करते हो। और बहुत बहुत ज़्यादा इनको जो वेजेस हैं जो तनख्वाहें हैं वो नहीं मिल पाती, और फिर भी इस जंगल को प्रोटेक्ट करने के लिए हर जंगल का जो वर्कर है छोटे से लेकर के बड़े अफसर तक वो योगदान देता है। और इस प्यारे से खूबसूरत से जंगल को, वो हमारा कॉर्बेट हो, रणथंभौर हो, पेंच हो, टडोबा हो, वट एवर कोई भी इंडिया का जंगल है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी जान जो है वो इस तली पे रख करके काम करता है। क्योंकि टाइगर के साथ आपको काम करना है, एलिफेंट के साथ आपको काम करना है। सो याकूब भाई ने बहुत अच्छी स्टोरी हमारे मेरे जो मेरे साथ गेस्ट आए हैं उनके साथ शेयर की है। और कभी आप कॉर्बेट आइए, दिकाला आइए, तो पता करिए, कोशिश करिए। वैसे तो ये बिज़ी रहते हैं, लेकिन अगर आपको और कुछ जंगल की कहानियाँ सुननी हैं तो आप याकूब भाई से, अगर उनके पास वक्त है तो आप उनसे बातचीत कर सकते हैं। और बहुत सारी कहानियाँ हैं, ये तो दो किस्से उन्होंने सुनाए हैं, और पिछले 14 साल से मैं बहुत कुछ सुनता आ रहा हूँ। सो भगवान करे, अल्लाह करे कि याकूब भाई 100 साल तक जिएं और हम उनसे कुछ ना कुछ सीखते रहें और कुछ ना कुछ सुनते रहें और आप तक उसको जो है वो कैसे ना कैसे आपको पहुँचाते रहें। सो थैंक यू सो मच, जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय। आपका पास याके जंगल देखते हुए हमें बहुत अच्छा लगा। सबसे अच्छा जो चीज़ लगा वो है कि इधर कोई कचरा अलाउ नहीं करते हो, कोई प्लास्टिक नहीं है, कुछ नहीं है, इतनी साफ सुथरा, इतनी बड़ा जंगल। हमने पिछले चार दिन से घूम रहे हैं, उसमें कहीं पे भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसकी मतलब क्या है? इसकी मतलब आप अपना जान लगा के, हम जैसे जो भी आते हैं देखभाल देखने के लिए इधर विजिटर्स, उन लोगों के लिए इतना मेंटेन कर रहे हैं, इसके लिए हम सब आपका बहुत बहुत आभारी हैं। जो नहीं करेंगे, जो नहीं देखभाल करेंगे, तहे दिल से बता रहा हूँ, आप लोगों का बहुत 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 आभारी। और ऐसे ही आप मेंटेन करते रहो, हम ऐसे बस हमारे लिए और रह गए 6 महीने, बस आपका 6 महीने ओनली। बहुत अच्छा, चलो इनको तो एक्सटेंशन मिल जाएगी, इनको क्योंकि इतना एक्सपीरियंस महावत हमारे पास है नहीं, इतना एक्सपीरियंस महावत कॉर्बेट में है नहीं, तो ये जाते हैं खा रहे, हंसी खा रहे, ये कहीं नहीं जाते। तो सुनीलाल चटर्जी जो थे वो याकूब भाई का थैंक यू कर रहे थे, उनको अच्छा लगा जंगल। मेरे को खुशी है कि उनको ये कॉर्बेट निकाला, फर्स्ट टाइम मैं उनको लेके आया, तो इस जंगल के प्रति उनका प्यार मोहब्बत, तो वो झलका आपने जो सुना। सो दुआ करते हैं कि ऐसे ही वो याकूब भाई जैसे चुनी सर ने बोला वैसे फ्यूचर में भी करें। सो तब तक के लिए थोड़ी देर बाद मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय। चले।